ऑन नहीं है। यस एवरीवन, एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग ऑल। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, अभी आ रही है बेटा? अभी ठीक है, आई थिंक अभी ओके है। तो अभी आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे, जल्दी करें सभी। करंट इलेक्ट्रिसिटी की पहली क्लास, ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट नाउ? जस्ट होल्ड अ मिनट। देखिए, आज हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर पहली क्लास है। आई होप मैं आज की क्लास में तुम लोगों को सारा बेसिक काम करा दूं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे आ जाए, सर्किट थ्योरी पे आ जाए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की पहली क्लास बहुत ही बेसिक रहने वाली है। एक बार मुझे वॉइस फिर से कर दें, क्या मेरी वॉइस ठीक है? यस एवरीवन, चलिए देखिए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आप बताइए कि आप लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा है, क्या चार्ज और ड्रेस्ट, चार्ज और ड्रेस्ट आप कहां पढ़ के आए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के, है ना? लेकिन जब चार्ज इन मोशन पढ़ते हो तो कौन आता है? चार्ज इन मोशन में कौन बनता है? करंट बनता है। ये बेसिक बेसिक बातें सबको पता है कि जब चार्ज चलता है तो क्या बनता है। अच्छा वेट, अभी चार्ज इन मोशन, अभी आपने बोला मोशन, मोशन एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। अगर आप बोले चार्ज इन कॉन्स्टेंट मोशन तो आप क्या बोलते हो यहाँ पे? करंट इलेक्ट्रिसिटी वन, ठीक है। तो अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं, यहां देखते हैं। सबसे पहले चार्ज के बारे में आपको पता ही है। अगर मैं यहाँ पे करंट की डेफिनेशन दूं, सबसे पहले करंट हमारा पहला टॉपिक कौन है? करंट है। करंट को किससे दिखाते हैं? आई से। जब चार्ज चलता है तो करंट बनता है, यानी कि चार्ज का रेट ऑफ फ्लो इज नोन एज करंट। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन वो क्या होता है? मैं बहुत ही सटीक तरीके से जो काम काम की चीजें हैं वही छाट के तुम्हारे सामने करा रहा हूं, लोगों का रिविजन बेटर हो जाए, ठीक है। और जो क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कराया जाए, आई होप और आपकी भी किस्मत ऐसी हो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में वो चीजें देखने को मिले। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज करंट। अब ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। आई देखिए, क्या आई का फॉर्मूला कॉल बाई टी पढ़ा था आपने छोटी क्लास में? यस, बट यहाँ पे हम आई को क्या लिखेंगे बेटा? डी क्यूब में डी टी, आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन आप उसको आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हो। दिस वन मीनिंग व्हाट, मीनिंग व्हाट? ये आई तो बेसिक डेफिनेशन है, पर ये जो आई होता है क्या ये इंस्टेंटेनियस करंट होता है? किसी भी इंस्टेंट पर, दूसरी सेकेंड पर, तीसरी सेकेंड पर, दूसरी सेकेंड में नहीं, राइट? तो क्या इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। उसके बाद आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, दैट इज अ एवरेज करंट, ये ध्यान रखिए। तो अभी इन्हीं डेफिनेशंस को लेके हम बेसिक बेसिक बातें करेंगे। सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं। इसकी जो यूनिट है वो क्या है? इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर। यूनिट क्या बेटा? एम्पियर। ये कौन है? कूलम। ये कौन है? सेकेंड। तो सबके आगे लगाओ 111, आपको समझ में आ जाएगा कि 1 एम्पियर क्या है। तो इसका मतलब जो यूनिट है, यूनिट क्या, मैं उसको एम्पियर भी लिखूंगा और एम्पियर को क्या लिखूंगा? कूलम पर सेकेंड भी लिखूंगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट वाला एवरेज, ओके ठीक है। हम शुरू करते हैं कि जो करंट है, करंट ये कैसी क्वांटिटी है?
बेटा ध्यान रखिए, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, लेकिन आपकी किताबों में आप उसको क्या, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको इस चीज को समझना है, अगर आपको इस चीज को समझना है, एक बहुत ही बेटर एग्जाम्पल ले सकते हैं कैसे, देखो ध्यान से। मान लीजिए कोई 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, ऐसे 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, और मान लीजिए कोई 3 एम्पियर इधर चला गया, 2 एम्पियर इधर चला गया। अब देखो अभी इसकी आप ये जो लिख के आए हो पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों बोल रहा हूँ, तो 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, इसके रास्ते बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, बोलो सभी, यस और नो। हाँ जी, अच्छा, क्या 2 करंट आ सकते हैं मिलके एक बना सकते हैं, इधर से 2 एम्पियर आ जाए, ये 3 एम्पियर आ जाए, और यहां से मिलके 5 एम्पियर जा सकता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो ये ना ये स्केलर हुआ, तो कौन होता है, टेंसर। तो आप लिखना, ये ना स्केलर है ना ये वेक्टर है, ना ये स्केलर है ना ये वेक्टर है। अब आप लोग सर देखना, आप तो कह रहे करंट की डायरेक्शन नहीं होती, इसका मतलब ये वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन तो सर इसकी है, डायरेक्शन तो उसकी है, तो आप लिखिए इसकी डायरेक्शन है, लेकिन ये वेक्टर फॉलो नहीं करता, इसलिए वेक्टर नहीं है। तो डू नॉट फॉलो या डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन, डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन, दैट मीन्स देयर फॉर इट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज नॉट अ वेक्टर। तो बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें रिवीजन क्लास के अंदर, आई थिंक आपने सभी ने ये पढ़ी है, जल्दी से उसको उतारें और सवाल लिखें। गुड, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गई। करंट इलेक्ट्रिसिटी की आज की क्लास में आपके पांचवी डेरिवेशन जितनी है सभी दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। इस क्लास में हम 5 से 6 डेरिवेशन जितनी है वो हम सारे एक्सप्रेशन सभी डिराइव करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सर्किट थ्योरी पे मैं आऊंगा, उसके बाद केवीएल केसीएल वगैरह सब मैं सीखेंगे। सवाल नंबर 1 लिखें जल्दी से, सवाल नंबर 1 लिखें, 2-3 सवाल कराता हूं बेसिक के लिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, क्यू की वैल्यू दे रखी है टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस में 5, ये क्यू की वैल्यू गिवन है, और आपसे पूछा जा रहा है पहला सवाल, फाइंड आई यानी कि करंट एंड एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर कितना करंट होगा। सेकेंड सवाल, फाइंड आई एवरेज, फाइंड आई एवरेज, मुझे एवरेज पूछनी है अब 0 से 2 सेकेंड में, इस टाइम गैप के अंदर मुझे एवरेज पता करनी है, जल्दी से निकाल के दे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, अभी यहां पे आई की वैल्यू दे दी आपको 40² + 80 + 4, 80 + 4, 40² + 80 + 4, फाइंड द चार्ज फ्लोन इन 5 सेकेंड, फाइंड द चार्ज फ्लोन इन 5 सेकेंड, जल्दी करें, फाइंड द चार्ज फ्लोन इन 5 सेकेंड। आपने क्या देखा, यहाँ पे करंट वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ चार्ज वेरिएबल दिया है, दोनों टाइप का सवाल करेंगे। अभी आपने क्या करना पड़ेगा, आई इक्वल्स टू डी क्यू माइनस डी टी, अगर आपको क्यू दे रखा है तो आई आ सकता है, आई दे सकता है, आई देगा तो क्यू निकालना पड़ सकता है। सर अभी क्लास देख लें और बाद में नोट से रिवाइज कर लेंगे, अरे मतलब स्वयं तो करके दोगे भाई, ये कौन सा तरीका है, क्लास में इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी, बाद में नोट से देखेंगे वो, ठीक है देख लेना, आंसर बताओ जल्दी से। पहले वाले में आई की वैल्यू 10 आ रही है, गुड, आई की वैल्यू 10 आ रही है, क्या देखो अगर मैं यहां से आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी करूं तो बोलो इसका क्या आंसर आएगा, 2t + 4, आपसे पूछा गया है इंस्टेंटेनियस करेंट, यानी कि 3 सेकेंड में पूछ रहा है, अगर 3 सेकेंड में पूछ रहा है तो यहाँ वैल्यू भर दो, 2 3 + 4, तो 6 + 4 यानी कि 10 एम्पियर करंट डाल। अब बात आती है आई एवरेज की 0 से 2 सेकंड के टाइम गैप में, इसको
कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, मीनिंग व्हाट? मीनिंग व्हाट? सो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी कैन बी रिटर्न्स क्यू टू माइनस क्यू वन टी टू माइनस टी वन. क्यू टू माइनस टी वन का मतलब क्या आपसे पूछा गया? देखो, क्या मैं इसको टू जगह यहाँ वन की जगह जीरो लिख दू? यानी कि क्यू एट टू सेकेंड, क्यू एट जीरो सेकेंड, क्यू एट टू भरो यहाँ पे, क्यू एट टू, टू 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 स्क्वायर फोर बन गया, फोर ये क्या बन गया, एट एट फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फाइव सेवनटीन, तो सेवनटीन आ गया, माइनस जीरो भरो वहां पे तो पांच आ गया, टी टू माइनस टी वन यानी कि टू माइनस जीरो यानी कि बारह बटे में दो, और ये क्या आ गया, छह एम्पियर आ गया. आई थिंक क्लियर है यहां तक? सर मैं क्वेश्चन तो साथ साथ कर रहा हूँ, बस नोट करने की बोल रहा हूँ. हाँ नोट आप कर लो, कोई बात नहीं है सर, कैमरा ब्लर है, ऐसा कैसे हो सकता है, आपके नेटवर्क इशू हो सकता है, मेरी तरफ से नेटवर्क इशू नहीं है. सर कैमरा ब्लर है क्या? यस बिल्कुल साफ साफ कैमरा है यार, ऐसा नहीं है. कुणाल वर्मा नेटवर्क इशू है बेटा आपकी तरफ, और कौन है क्लास में? मोहित मुस्कान आप बताइए. सर कैमरा ब्लर है, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है? नेटवर्क इशू की वजह से हो सकता है यार, अदरवाइज तो बिल्कुल क्लियर वीडियो चल रही है. क्लियर सर? हाँ देखो बेटा, आई वेरिएबल दिया है, अगर आई वेरिएबल दिया है और आप चार्ज भी खेल रहा है तो फिर से वही काम करना पड़ेगा. फिर क्या कर रहा है, चार्ज फ्लोइंग पांच सेकेंड, पांच सेकेंड में जीरो से पांच सेकेंड लिमिट लग जाएगी, जीरो से पांच सेकेंड लिमिट लगा देंगे तो क्या आएगा इधर, करके देखते हैं. क्या डीके को सॉल्व करने के लिए क्या आई डी टी करना पड़ेगा? मुझे चाहिए क्यू, आई डी टी के लिए इंटीग्रेशन की लिमिट लग रही है ऊपर, ये क्यों है कितना, जीरो से पांच, आई की वैल्यू कितनी है, फोर्टी स्क्वायर प्लस, सीधा सीधा सॉल्व कर लो. देखो फोर्टी स्क्वायर प्लस एट्टी प्लस फोर, पहले वाले का आंसर बोलो क्या, फोर्टी क्यू बाय थ्री, अगले वाले का बोलो एट्टी स्क्वायर बाय टू, बाय टू आएगा तो ये फोर हो जाएगा, तो फोर्टी स्क्वायर प्लस में इसका आंसर आएगा फोर्टी, और लिमिट कहां से कहां लगानी है, जीरो से लेके पांच लगानी है, जीरो तो सब जीरो हो गया, बाकी सोल्व कर दो इसको, फोर इंटू वन ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय तीन हो गया, प्लस फोर फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव फोर जा हंड्रेड, प्लस में कितना आ गया, बीस आ गया, इसको सोल्व कर दो तो ये कितना बन गया, पांच सौ, तो पांच सौ प्लस में तीन सौ प्लस में साठ बटे में तीन, तो आठ सौ, आठ सौ साठ बटे में तीन, ये आंसर आ गया. कर लोगे क्या, आठ सौ साठ बटे में तीन? अब ठीक है सर, बेटा नेटवर्क इशू की वजह से हो सकता है, अदरवाइज कैमरे में ब्लरनेस नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे पास जो स्क्रीन खुली हुई है उस स्क्रीन में अगर ब्लरनेस आएगी कैमरे की वजह से तो यहां से पता लग जाएगा मुझे. ठीक है, आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, नेक्स्ट आइटम डाले कर लेंगे, ऐसे ऐसे सवाल आई की क्यों पूछ ले, क्यों डेल्टा क्यों पूछ ले, सर लगा के दिखा दिया जो फॉर्मूला, आप 10 बारह पंद्रह से जितने मर्जी करना चाहो सकते हो, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है, रिविजन बेसिस पे मैं उठा रहा हूँ, तो आपको हर क्वेश्चन की टाइप का एक आपको कुछ दिया जा रहा है ताकि आप उनसे अंदाजा लगा सकें कि किस तरीके से चीजों को टैकल करना है. नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आए, नेक्स्ट तीसरा, हाँ सॉरी टॉपिक नंबर कौन सा है, टू है, तो यहाँ पे हेडिंग लिखी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सबसे पहले टॉपिक नंबर टू में लिखे हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अच्छा एक बार मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को सारी डेफिनेशन एक साइड में लिख के देता हूँ रिविजन बेसिस पे, जो तुम्हें बोर्ड के लिए करनी है ताकि दिमाग में पिक्चर बने, क्या मैंने सही कहा, यस और नो, यस एडवान. सबसे पहले हम डेरिवेशन पार्ट, कौन कौन सी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है ताकि तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बने कि हमें क्या क्या करना है. देखो पहली डेरिवेशन, पहली डेरिवेशन क्या, वीडी, क्या वीडी को तुम लिखते हो ई ई टाउ बाय एम, पहली डेरिवेशन. दूसरा क्या आई इक्वल्स टू ए एन ई वी डी, दूसरा एक्सप्रेशन. तीसरा उसके बाद
R equals to M by A N E square tau. Fourth, resistivity का फॉर्मूला M by में N E square tau. Very very important. ये जो R तुम निकाल देते हो, ये इसको बोलते हैं मतलब deduction of Ohm's law. Deduction of Ohm's law. उसके बाद पांचवी हेडिंग J बराबर सिग्मा ई. आज की क्लास में ये सारे डेरिवेशन तुम लोगों को मैं करके दूंगा, ठीक है. J इक्वल्स टू सिग्मा ई. सिक्स आता है रो इक्वल्स टू वन बाय एन ई म्यू. म्यू क्या होता है यहाँ पे, मोबिलिटी. म्यू क्या होता है, सॉरी, मोबिलिटी. बोलो क्लियर है क्या ये सब इशू. छह डेरिवेशन इसको देखो, इसका नाम बताता हूं मैं तुम्हारे को. इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. एक दूसरा नाम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का दूसरा नाम क्या हो सकता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. क्यों, क्योंकि यहां देखो ये जो जे है और ये जो ई है, ये दोनों वेक्टर है इधर, तो जे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आप ऐसा भी बोल सकते हैं. सो ये छह डेरिवेशन है और ये जो दोनों डेरिवेशन है, ये दोनों डेरिवेशन, इन दोनों की हेल्प से हम ये सब निकाल सकते हैं. ये क्या है, रेजिस्टिविटी और मोबिलिटी में रिलेशन, करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी एंड दिस इज आर इक्वल्स टू एन एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ, विच इज अ डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ. डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, व्हाट डज इट मीन, इट डज मीन यू आर डिड्यूसिंग समथिंग. तो जो आप बोलते आए आज तक वी बराबर एम सी, तो इसमें हमें आज ये पता लगता है कि आर असलियत में है कौन, ये रहा. क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? हम सबसे पहले डिंग वेलोसिटी के बारे में समझते हैं. ये कहानी ध्यान से सुनिएगा. मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर मैंने यहाँ लिया, जब डेरिवेशन याद कर बढ़िया आना चाहिए. ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी ये जो कंडक्टर मैंने लिया है, कितना कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, ए. इसकी लेंथ कितनी है, एल. एल लेंथ का और एरिया ए, एरिया क्रॉस सेक्शन है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां हमने क्या किया, ये कब है, एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर कितना होता है, सीधा सीधा अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन के आसपास, जो भी आप बोला चाहे, ठीक है. सो क्या है, रूम टेम्परेचर पर देखा, ये मैंने कंडक्टर लिया. कंडक्टर कितनी लेंथ का है, एल लेंथ का है. इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्या रूम टेम्परेचर पे इनके पास इतनी एनर्जी होगी कि ये मूव करेंगे, मूव तो ये करेंगे. मेरी बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, कोई इधर जा रहा 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 है. क्या ये रैंडम मोशन नजर आया, बोलो, ये रैंडम मोशन नजर आया, ये इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन है. मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो कितनी है, यू वन यू टू यू थ्री टू यू एन. मैंने मान लिया तेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एन इलेक्ट्रॉन्स है, और सबकी वेलोसिटी क्या है, यू वन यू टू यू थ्री यू एन तक है. अब आपके दिमाग में आते सर, ये वेलोसिटी कहाँ से आई, ये वेलोसिटी इस टेम्परेचर की वजह से आई, इसलिए ये सारी की सारी वेलोसिटीज है, थर्मल वेलोसिटीज है. क्या है ये, थर्मल वेलोसिटीज. अब आपने देखा कि रूम टेम्परेचर है, इन इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन हो रहा है. क्या हो रहा है, रैंडम मोशन. जब ये रैंडम मोशन हो रहा है, जब यू एवरेज निकालते हैं, तो आपने देखा इन सबकी जो एवरेज है डिवाइडेड बाय एन, वो कितनी आ रही है, जीरो आ रही है. यानी कि बात नहीं बनी. अब देखो कह रहे थे सर चार्ज चलना चाहिए, चार्ज चलने से करंट बनता है. मैंने कहा था चार्ज ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन चार्ज को पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाहिए. क्या चार्ज उसके बहुत ही रैंडम मोशन करके इधर उधर, और उनकी वेलोसिटीज का एवरेज कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है. वेलोसिटीज का एवरेज जीरो आ रहा है, दैट मींस थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज जीरो हो गया. इसका मतलब ये सिचुएशन हमारे काम की नहीं है, ये सिचुएशन हमारे काम की नहीं है. व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब हमें बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाए. तो कौन, बैटरी. बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी विल मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट. पोटेंशियल डिफरेंस विल बी देयर,
देन डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर। सही बात है क्या? देखिए उसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने क्या किया, आपने इस सर्किट में यानी कि इस कंडक्टर से बैटरी जोड़ दी। पहला डायग्राम ले रहा, दूसरा डायग्राम, दूसरे डायग्राम में यही कंडक्टर लीजिए और इस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल सोर्स एक सेल से जोड़ दो, ये प्लस ये माइनस। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर हो रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, करंट किधर होगा, उधर होगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अच्छा आप लोगों ने पॉजिट्रॉन का नाम सुना है क्या? हॉस्पिटल नहीं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, इसका एंटी वाइल है ना। तो आप ऐसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन पर इधर जा रहे हैं तो पॉजिट्रॉन इधर जा रहे हैं, यानी कि पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन वही होगी जो तुम्हारे डायरेक्शन होगी। तो हम अगर पॉजिट्रॉन को समझ कर चीजें समझे तो शायद हमारे हमारे दिमाग में इन चीजों की सिंप्लिसिटी पैदा हो। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मैंने क्या बोला ड्रिफ्ट, नाम क्या है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना, ये खिसक रहे हैं, ये चल नहीं रहे हैं, है ना, ये खिसक रहे हैं। कुणाल वर्मा, हाँ देखो, तो ये बात समझ में आई। अब आप बताइए क्या इसकी वजह से, इस सेल की वजह से क्या इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं होगी क्या? प्लीज मेरी लैंग्वेज पर ध्यान दे, मैंने बोला क्या इस सेल की वजह से क्या ये पोटेंशियल मेंटेन रखता है, क्या इसकी वजह से इस कंडक्टर फैंस के अक्रॉस में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी क्या नहीं होगी, होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चल रहा है, चार्ज पार्टिकल, क्या चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगती है, लगती है। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल होता है तो उस पर फोर्स लगती है F बराबर QE, और दुनिया की फोर्स किसके बराबर, MA के बराबर। तो यहां से क्या तुम A निकाल सकते हो, बोलिए जल्दी, मैं डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, डेफिनेशन बाद में देंगे, एक बार टॉपिक को समझेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। आप अगर याद रखना चाहें उसके साइड में एक वर्ड याद रख लें, एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई, आई। तो आप एक छोटी सी डेफिनेशन तो यहां भी बना सकते हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वेलोसिटी आती है वो क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई रिपीट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आती है वो वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी F इक्वल्स टू क्यू बराबर MA किया, यहां से क्यू कितना, अभी देखो मैंने कहा क्यू, क्यू की वैल्यू यहां कितनी है, स्मॉल e, मैं बार बार स्मॉल e नहीं लिखूंगा, अभी क्यू लिख रहा हूं, ये अंडरस्टूड है कि क्यू की वैल्यू e है। तो A इक्वल्स टू बोलो कितना आया, क्यू e बाय में M, हम यार एक बार बताइए, कोई पार्टिकल पहले न्यू स्पीड से चल रहा था उसको एक्सेलरेशन मिल गई तो क्या उसके पास नई वेलोसिटी नहीं आ जाएगी क्या, इसका मतलब क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आती है, ध्यान से सुनिए। देखिए मान लीजिए जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में चल रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लेगा। अभी अगर थोड़ा सा समझ लें इसको, जैसे ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी वैसे वैसे नेक्स्ट टॉपिक आपको बहुत ईजी हो जाएंगे समझने के लिए। अभी हमने क्या कि ये जो दो पार्टिकल है, ये दो पार्टिकल सॉरी मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये आपस में कोलिजन कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ एक कोलिजन हो रहा है, यहाँ दूसरा कोलिजन हो रहा है, इस कोलिजन के और इस अगले कोलिजन के बीच में एक गैप है जिसको हम बोलते हैं लेमडा, विच इज नोन एज मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, ये हो गया। और इन दोनों सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ये फर्स्ट कोलिजन है, फर्स्ट टकराव, ये सेकंड टकराव, इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है उसको बोलेंगे टाइम, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि कितने समय के लिए आपका वो पार्टिकल है वो बिना कोलिजन के रह रहा है, तो इसका मतलब यहां से ए आया, जैसे मैं बी वन लिखूंगा यानी कि
final velocity of first particle, then final velocity of second particle, then third particle, then fourth particle, क्या v equals to u plus at, तो u plus में a सबकी same है, और पहले वाले का relaxation time कितना है, tau 1 है, तो तुम ऐसे ऐसे करके v2 लिख सकते हो, और ऐसे चलते चलते तुम vn तक जा सकते हो, you can write it as un plus में a tau n, तब पे समझ में आ रहा है, अब देखो, यहाँ पे डंडा बड़ा क्या ए लाइन इन सब को जोड़ दो, दो v1 प्लस में v2 आपको क्या vn सबको जोड़ दो, इस वाली लाइन को जोड़ो क्या बनेगा u1 प्लस में u2 प्लस में अप टू un जोड़ दिया, उसके बाद क्या a कॉमन आ जाएगा इसमें से, और अंदर क्या बनेगा tau1 प्लस में tau2 अप टू tau n, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब आपने कहा सर ये तो एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, बोलो ये किसने पैदा की, किसने बनाई ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाई, जब आपका कंडक्टर किसी बाहर के किसी सोर्स से जोड़ा गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की वजह से वो ड्रिफ्ट हुए, और उन सारी स्पीड्स का क्या एवरेज, एवरेज लेने के लिए तो भैया इनके नीचे क्या लगा n, तो इसके नीचे भी n लगाओ, तो इसके नीचे भी n लगाओ, सही है ना, इसको ही देखा है क्या ये एवरेज जीरो आ रही है, तो ये एवरेज जीरो आ रही है, तो इसका मतलब ये जो है इसी को बोलते हैं वीडी, क्या मेरी बात समझ में आई, इसको ही वीडी बोलते हैं, क्या वीडी इक्वल्स टू ए, क्या इस पूछ को टाउ बोल दो, यानी कि ए टाउ, तो ऑब्वियसली क्या है ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, सो वीडी इक्वल्स टू ए टाउ, बोलो समझ में आया क्या, देखो सो vd इक्वल्स टू a tau, क्या इस a को आपने निकाल लिया तो यहां पे भर सकते हो, तो vd का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, क्या e tau by m, और आप इस tau की वैल्यू e भरें तो e tau by m, अब एक चीज जो आपको यहां पे याद रखनी है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ये वाला फॉर्मूला देखा equals to minus dv by dr, मैंने बहुत बार यूज किया है, so e equals to minus dv by dr, क्या मैं इसको e को v into l लिख सकता हूं, क्या लिख दे v by l, क्या लिख सकते हैं v by l dv by dr, dv के जगह v आ गया, तो अभी आप लोगों ने ये देखा तो बोलो मैं क्या लिख सकता हूं, velocity is the average uniform velocity which is acquired inside the conductor when conductor is connected to external source of electric field, क्या दिमाग में या मेरे लिए लगे हो, अरे बोलो, अरे सन्नाटा सा गया भाई, ऐसा आया था क्या ये वाली यूनिफॉर्म वेलोसिटी अब तक थी क्या, जब तक ये बैटरी में लगी थी नहीं थी, तब एवरेज जीरो आ रही थी, और हमने देखा ये जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है, ये थर्मल वेलोसिटी है तो बहुत बड़ी होती है इससे, ठीक है ना, ड्रिफ्ट से, सॉरी, चलो तो अभी देखते हैं हम लोग, सर प्लीज रिपीट द डेफिनेशन, वॉइस लैग हो रही है, आई रिपीट द I repeat the definition. See, अभी बेटा मैंने आपको क्या बोला, drift velocity is the average uniform velocity. But this average uniform velocity was acquired by the electrons when the conductor was connected to external electric field. क्या इस external field से नहीं जोड़ा था क्या, तब तक ये particle के पास वो uniform velocity एक direction में आ रही थी क्या, नहीं आ रही थी, so that average uniform velocity which is acquired by the electron when it is connected to the external source of electric field. अभी ठीक है क्या, अभी समझ में आया, आवाज में लग आ रहा था, इसका भी जुगाड़ करेंगे, इसका बढ़िया जुगाड़ करेंगे, अभी ये टेम्परेरी सा माइक है, अभी थोड़े दिन के बाद, अभी तो मैं काम चला रहा हूं माइक से, थोड़े दिन में करेंगे इसको सेट, देखो देखो जल्दी, एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ में आई,
इधर क्लियर करो मेरे को, फिर आगे चलते हैं। बेटा एक बार जल्दी से कमेंट करो फिर आगे चलते हैं, क्या टाइम नहीं है, मुझे 5-6 डेरिवेशन और करानी है, मैं जल्दी जल्दी करूंगा सब, ये सब समझ में आएगा। चलो आगे आप लिख सकते हैं। तो कहाँ सो गए भाई? अरे मेरे ख्याल से यार ये ना एक्चुअली जस्ट होल्ड अ मिनट, ओ माय गॉड, होल्ड 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 होल्ड, एक्चुअली ये ना नीचे भाई, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये सिस्टम के अंदर होती है, वायर्स के अंदर नहीं होती, ठीक है क्या? चलो रिकैप देखते हैं, क्या वीडी के समय को मैं प्रश्न को ई टाउ बाय एम, जहां पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या वो कौन है, ई कौन है, टाउ कौन है। मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि ई की वैल्यू वी बाय एल होती है, तो आप यहाँ पे इसको क्यों वी बाय एल यानी कि एम एल इंटू टाउ भी लिख सकते हो, ये आदत बना लीजिए। इसका मतलब अगर कंडक्टर की लेंथ चेंज कर दी जाए तो वीडी चेंज होगी क्या? होगी। वी चेंज कर दी जाए वीडी चेंज होगी क्या? होगी। क्यों ई टाउ बाय एम, बोलो सही है क्या बात? अब बात आती है टेम्परेचर की, देखो इसको देखो ये कौन है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, इसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है? आर यू देयर इन द क्लास? एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस एवरीवन प्लीज डू रिप्लाई। रिलैक्सेशन टाइम, क्या रिलैक्सेशन टाइम दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का होता है, यानी कि एक टकराव हुआ दूसरे टकराव बीच में कितना समय होगा वही तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम है। फिर क्या अगर तुम टेम्परेचर को चेंज कर दो तो क्या रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा घटेगा? अगर तुम्हारे कमरे में आग लगा दी जाए तो तुम भाग बैठ ज्यादा करोगे, अगर भाग बैठ ज्यादा करोगे तो टकराव जल्दी जल्दी होंगे, टकराव जल्दी जल्दी होंगे तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, यानी कि टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस वन आप बाकी चीजें कॉन्स्टेंट रखिए, बाकी चीजें क्या इंक, देखो यहां क्या है, अगर ये टाइम इंक्रीज रिटर्न टेम्परेचर इंक्रीज टाइम डिक्रीजेस, अभी टेम्परेचर बढ़ाया टाइम घटा, टाइम घटा तो वीडी घटा। इसका मतलब क्या अगर मैं वीडी को देखूं तो क्या वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? बोला टेम्परेचर बढ़ा तो वीडी भी घट रहा है, तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे यहां तक? ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेरिवेशन में किसकी बता रहा हूं? आर इक्वल्स टू ए एन बी डी टी की बता रहा हूं। अरे जल्दी से मैं डेरिवेशन पार्ट पे आ रहा हूं, ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं, न्यूमेरिकल्स करेंगे तब पता लग जाएगा। आर इक्वल्स टू ए एन बी डी, तो अभी मैंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, और अब तुम्हारी आदत बन चुकी है कि आपको कंडक्टर को किससे लगाना है, सेल बैटरी से लगाना है ताकि तुम्हारी ड्रिप स्पीड आ जाए। सो अभी यहाँ पे आपने किसी सेल से लगाया, इसको कनेक्ट किया, इसके अंदर मैंने मान लिया n इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना मान लें, बहुत ही आसान डेरिवेशन है यार। देखो आपको ये वाला फाइंड करना है, इसका मतलब कि i चार्ज अपॉन टाइम होता है, सो दिस इज i इक्वल्स टू q अपॉन t, मुझे यहां चल रहा है, मुझे ये यहाँ पहुंचना है। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो कैपिटल क्यू लिख दो, यानी कि जो दिखा रहा है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, और अच्छे से लिख लो, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, क्या आई इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, आई इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, सो दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्लस माइनस में वी वोल्ट की बैटरी लगी है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई, कितनी हुई मान लिया ई हुई।
यहां मान के चल रहे हैं लेट एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये चीजें आ रही है। सो यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ एल है, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हुई, एरिया इंटू लेंथ, टोटल वॉल्यूम कितनी है, एरिया इंटू लेंथ। एक वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल वॉल्यूम कितनी है बोलो, टोटल वॉल्यूम कितनी है, एरिया इंटू लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वॉल्यूम कितने होंगे। अगर एक यूनिट में इतने हैं तो इतने वॉल्यूम में कितने हुए, क्या ए एन एन हो गए क्या, यस, तो दिस ए एन एन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ए एन एन, दिस वन, चलो आया समझ में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ए एन एन, दिस वन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, देखो अगर मुझे टोटल टाइम के बारे में पता करना है तो देखो टाइम की दुनिया में एक ही फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कौन से वाली, इलेक्ट्रॉन विल बी ड्रिफ्टिंग विद वीडी, सो कितना चला, एल चला, किससे चला, वीडी से चला, तो टाइम तो निकल गया, सारा खेल किसका था, चार्ज का। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने आ गए तो टोटल चार्ज बोलो कितना आ गया, ए एन एन, एक का कितना ई, तो इतने का कितना ई से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल चार्ज आ गया। ये आसान लग रहा है क्या, अरे समझ में, दिस इज ए एन एन ई, ये टोटल चार्ज वाले इस फॉर्मूले में भर दो भाई, क्या आएगा, ए एन एन ई डिवाइडेड बाय में एन अपॉन में वी डी, वी डी ऊपर चला गया, एल से एल कर गया, You will find A N E V D. बहुत ही अच्छा सवाल, this one. अच्छा एक्सप्रेशन है, लिख लें इसको, I equals to A N E V D. दो डेरिवेशन हो गई, दूसरी डेरिवेशन आसान लगी तुम्हें, क्या तुम्हें फील आई कि कहां से शुरू करना था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टाइम निकालने का दुनिया में एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ नोटिस कीजिए कितना डिस्टेंस चला, एन चला, कितने स्पीड में चला, वीडी से चला, अगर वीडी की स्पीड से चला, वीडी की स्पीड से चला तो बोलो क्या हुआ, एल बाय वीडी। अब टोटल चार्ज निकालने के लिए पहले वॉल्यूम देखिए, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ, सॉरी टोटल चार्ज देखिए, तो बच्चे क्या करते हैं, यहां से वीडी निकालते हैं और ये आते हैं I by में A N E, VD equals to I by A N E। अभी मैं ये एक्सप्रेशन क्यों लिख रहा हूं, ध्यान से सुने, छाप लिया तुम लोगों ने, देखो अरे आप लोगों ने सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, VD equals to Q E tau by M, it is all understood that Q is E, again I am repeating, okay, so second क्या है, I equals to A N E V D, और यहां से आपने VD को निकाल लिया, ये कितना आया है, I by में A N E, I by में A N E, VD, I equals to A N E V D, VD equals to I by A N E। अब उस एक्सप्रेशन के अंदर कहीं पर भी वीडी का एक्सप्रेशन एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्या यहां डिपेंड कर रहा है, कर रहा है, सो वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो आपके सामने एक बहुत ही पॉपुलर डायग्राम हर क्लास में बनाया जाता है, उसी तरीके से ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ये यूनिफॉर्म है, इसका एरिया ए वन है, इसका एरिया ए टू है, जब यहां से करंट जा रहा है, मैं ड्रिफ्ट स्पीड मान रहा हूँ वीडी वन, यहां स्पीड मान रहा हूं कितनी VD2, सो VD1 एंड VD2, क्या मेरी बात समझ में आई, VD1 एंड VD2, तो इसके हिसाब से देखो अगर स्टडी स्टेट ले, देखो यहां क्या है, एरिया कम है, ये क्या है, तो क्या होगा VD1 जो है क्या ज्यादा होगा VD2 से, क्योंकि एरिया उसका कम है, VD ज्यादा, तो VD2 से ज्यादा, क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या,
लेकिन बहुत बार आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, सर लास्ट सेकंड स्टेप रिपीट कर दो, कौन सा वाला, ये वाला इधर भाई, टोटल नंबर, टोटल वॉल्यूम लिखा एरिया इंटू लेंथ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे, ए इतनी वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर ए एल एन और इतने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए एल एन में। कहाँ पहुंच गया, बना ली फिर हम रिवर्स को, अभी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अभी इधर देख इसके हिसाब से देख, अभी देन आपको ऐसे ऐसे सवाल दिए जाएंगे कि अगर ड्रिफ्ट, अभी देखो यहां पे ये चीजें एक्सप्रेशन में कब आई, तो भी आई कॉन्स्टेंट था, अभी तो वी टी एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, लेकिन अगर ये कंडीशन ना दी गई कि स्टेडी स्टेट नहीं है, यानी कि करंट कॉन्स्टेंट नहीं है, उस केस के अंदर अगर आपका डायमीटर बढ़ा दिया जाए तो ड्रिफ्ट स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं, तो कोई डिपेंड इस फॉर्मूले पे कोई यहाँ पे कोई डिपेंडेंस नहीं आ रही है, याद रखिएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट टॉपिक में, और मैंने कहा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, पहली बात थोड़ी सी ओम्स लॉ को डिफाइन करना तुम्हें आना चाहिए, ये ओम्स लॉ जो होता है एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशंस, एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशंस, यानी कि जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेन टेम्परेचर प्रेशर, ये सारी चीजें फिजिकल कंडीशन कॉन्स्टेंट है, जो आई होते हैं वो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बहुत सारे टीचर्स बहुत सारी क्लास में ऐसा ऐसा डिस्कशन होता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये बहुत ही कॉमन डिस्कशन बन गया है आजकल, ठीक है, तो बहुत बार तो हमें समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, तो ध्यान रखिए आई इज डिपेंडिंग ऑन वी, वी इज डिपेंडिंग ऑन आई, तो एक बार देखने में तो तुम्हें ये सही लगता है, ये सही है, करंट इज डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल, बट ये पोटेंशियल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है, जब आप किसी सर्किट में किसी रेजिस्टर पे पोटेंशियल ड्रॉप देखते हैं तो दैट पोटेंशियल हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू दैट रेजिस्टर, समझ गए, तो ऑब्वियसली वी इक्वल टू आई आर वहां से आ जाए, So, यहां से अगर मुझे यहाँ पे ओम्स लॉ सॉल्व करना है तो क्या मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्स्टेंट 1/r नहीं ले सकता, ले सकता हूँ क्या, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्स्टेंट v इक्वल टू आई आर, मतलब r ले सकते हैं, v बराबर होंगे जैसे आई बाय आर इंटू वी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यस एवरीवन, तो आप कैसे मर्जी इसको सोच सकते हैं, ये कॉन्सेप्चुअली ठीक है, कॉन्सेप्चुअली ये वाला ठीक है, ठीक है, बट कहां ये ठीक होगा ये मैं बता चुका हूँ, सर्किट सॉल्व करेंगे तब भी डिस्कस करेंगे, पर अभी देखिए डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ का मतलब आपको शुरू करना आई इक्वल टू एम वी वी डी से, इस वी डी की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, टू ई टाउ बाय एम, यानी कि ई ई टाउ, ये वी डी की वैल्यू ई ई एम बाय एम, अब आई मुझे देखो वी बराबर आई आर, मुझे क्या बनाना है भाई, मुझे ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है, तो वी कहां से लाऊ, आई तो मेरे पास है, वी बनाना है तो वी डी की वैल्यू भरू, आई इक्वल टू ए एन ई, वी डी की वैल्यू ई ई टाउ बाय एम, आप बोले सर ई जो होता है वो तो वी बाय एल होता है, ई क्या होता है, वी बाय एल, आई इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर, वैल्यू भरी वी बाय एल तो एम एल, अब आपने क्या किया वी को एक साइड रखा और बाकी चीजों को उधर ले गए, तो यानी कि ये बन गया, अब इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो बोलो आर कौन आर, क्या बोल रहा हूं, जो जब आप प्रोपोर्शनल समझा रहे थे सर वॉइस ब्रेक कर रही है,
वॉइस ब्रेक कर रही है, अभी भी कर रही है क्या ब्रेक? अभी मैंने क्या कहा, परपेचुइटी में आई क्वेश्चन टू वी, वी डायरेक्टली क्वेश्चन टू आई, मैंने कहा ये ज्यादा ठीक है, कॉन्सेप्ट भी ठीक है, लेकिन ये कहा ठीक होगा, ये सर्किट में जब पोटेंशियल ड्रॉप आती है, जब पोटेंशियल ड्रॉप एटमॉस्फेयर में रजिस्टर, हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू, हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू, अभी नहीं कर रही तब कर रही थी सर, ठीक है। अभी ये आपको समझ में आया, ये करके ही आ गया। अब इसको आप कंपेयर करो इससे, इससे कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड द आंसर, दैट इज आर, ये आर है आर, तो आर की वैल्यू आ गई भाई, आर इक्वल्स टू एम एल बाय ए एन ई स्क्वायर टाउ। अब आपको पता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू ए अपॉन एल, आर इंटू ए अपॉन एल। अभी मैंने रेजिस्टेंस का कोई किसी तरीके की चर्चा इधर नहीं किया है, अभी सिंपल सिंपल चीजें मैं समझा रहा हूं। क्या ये रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल, क्या ए और एल कट जाएंगे यहां से, कट जाएंगे, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बोलो, एम बाय में ए एन ई स्क्वायर टाउ। अब मुझे इस टॉपिक का जिक्र करना है, इस टॉपिक का मैं डिटेल में लूंगा अभी, उससे पहले जो डेरिवेशन देते हैं उनको पूरा कर लेते हैं। देखो ध्यान से, नेक्स्ट नेक्स्ट पांचवी, देखो हमने क्या क्या कर लिया, हमने वीडी निकाल लिया। सबसे पहले इस सत्र की शुरुआत कहां से हुई थी, आर इक्वल्स टू डी क्यूब बाय डी टी से, या फिर डेल्टा क्यूब बाय डेल्टा टी से, ये हो गई। वीडी का फॉर्मूला हमने ई टाउ बाय एम बी निकाल लिया, और तीसरा हमने आर इक्वल्स टू ए एन ई वी डी भी निकाल लिया, और फोर्थ आर इक्वल्स टू एम एल बाय में एम एल बाय में ए एन ई स्क्वायर टाउ भी निकाल लिया, राइट। और पांचवा रेजिस्टिविटी हमने एम बाय में ए एन ई स्क्वायर टाउ भी निकाल लिया। मैंने इसको वहां फोर्थ बनाया था जब मैंने डेरिवेशन लिखी थी सारी, ठीक है। अभी इसलिए मैं डेविएशन कौन सा ले रहा हूँ, पांचवे ले रहा हूँ, तो ये सारी चीजें हम निकाल चुके हैं। और ये जो पांचवा पॉइंट है ये कौन था, जेड सिग्मा ई। अब सबसे पहले आपको ये समझना है, ये जे कौन, ये जे कौन बेटा, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट अपॉन एरिया, कौन सा करंट, कौन सा एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। देखो मान लीजिए कोई आपने एरिया लिया, ये ऐसे अभी आपको प्लेन में नजर आ रहा है, पर ऐसे समझो ऐसे ऐसे तो ऐसे करंट आ रहा है। अभी अगर इस हाथ का एरिया वेक्टर देखो तो बाहर की साइड आएगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया कंसीडर्ड, सो इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया, मैंने मान लिया इसमें से करंट पास इधर ही हो रहा है, चलिए हमारा जो इसका एरिया कितना ले लिया मैंने ए, यहां पे तो फॉर्मूले क्या निकल के आया, जे इक्वल्स टू ए अपॉन J equals to I upon A, clear? But इधर मान लो मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता इस एरिया को, यानी कि मेरा हाथ ऐसे हो जाता, अगर ऐसे हो जाता ऐसे हो जाता ऐसे, तो करंट ऐसे हाथ में भी करंट ऐसे ही पास कर रहा, और मेरा एरिया वेक्टर किधर आ गया, इधर आ गया एरिया वेक्टर। इस एरिया वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ो, मान लो ये थीटा एंगल पर चल रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है, A cos theta, इसका मतलब क्या मैं जे का फॉर्मूला लिखूं, करंट अपॉन एरिया का वो कंपोनेंट जो करंट डायरेक्शन में है, एरिया का वो कंपोनेंट जो करंट की डायरेक्शन में है वो कितना आएगा भाई, बोलो आई अपॉन में ए कोस थीटा। अब भर के देखो, जब ये ऊपर वाली सिचुएशन थी यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी थी सर, डिवाइड में आ नहीं, डिवाइड में ए नहीं आएगा रो में, अच्छा गुड 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 ओके डन, एम बाय एन एन स्क्वायर टाउ, थैंक यू। ये क्या है, आई बाय ए प्लस थीटा,
तो यहाँ पे अगर थीटा जीरो मेरे को देख लीजिए, इस केस में थीटा जीरो है तो आप दो याद करोगे, डेफिनेटली ये याद करोगे, दैट इज अ वेरी बेसिक। तुम्हारे नंबर कम आए ना, तुम्हारे मुक्के मुक्के आएंगे, हाँ नाक पे हाथ पे सिर पे, फिल्मों में देखा लाल मेरे गोला हो गया था इधर, दोनों हाथों पे लगे आएंगे नंबर, पढ़ते नहीं हो तुम लोग, हाँ तो पढ़ते हो, और मेरे से सुन के बस पे बन करके सो लेते हो, जितना मर्जी दूर बोलना बोलो, अभी जैसे ही एग्जाम होंगे रिजल्ट आएगा सब तुम्हारे सामने। नेक्स्ट देखो, जेई टेस्ट टू सिग्मा ई, मैंने क्या कहा था, ये दोनों एक्सप्रेशन ऐसे हैं, आगे ये दोनों एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिससे सारे के सारे इंट्रोडक्शन करी जा सकती है। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आई इक्वल्स टू एन ई वी डी से ही, क्या आपको करंट का एरिया बनाना है तो क्या एरिया इसके नीचे आ जाएगा, आई बाय ए, क्या ये एन ई वी डी बच गया, आई बाय ए तो भैया जे होता है, ये तो जे है, एन ई वी डी, उस एन ई वी डी में मेरे बस का सिर्फ एक ही चीज है इस वी डी की वैल्यू भरना, इतना ई स्क्वायर हो जाएगा, ई पावर बाय एम आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। याद करो ये क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा कौन, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी इज रिटन एज सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, एन ई स्क्वायर टाइम सिग्मा, एन ई स्क्वायर टाइम बना दिन डन, और यहां सुनो क्या एन ई स्क्वायर टाइम है इन टू ई, ये तो मुझे चाहिए था, ये रहा, तो ये क्या है, ये तो सिग्मा है, तो जे बराबर में सिग्मा ही, हेंस प्रूव, क्या मेरी बात समझ में आई, बोलो 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 बोलो, ठीक है, आज ये डिडक्शन ऑफ फॉर्म्स लो होगा, इसका नाम सॉरी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ फॉर्म्स लो और वेक्टर फॉर्म ऑफ फॉर्म्स लो, बिकॉज ये जे क्या वेक्टर होता है, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इधर भी वेक्टर, इधर भी वेक्टर, बोलो बोलो आ रहे समझ में, डेरिवेशन देखो, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी, रेजिस्टिविटी में और मोबिलिटी में रिलेशन कैसे निकालोगे, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी, कल की क्लास में सबकी थ्योरी शुरू होगी, ध्यान रखिए, तो अभी रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी क्या है, मुझे क्या चाहिए एक्चुअल में, जो रिलेशन मुझे निकालना इतनी म्यू ऐसे वाले चाहिए, तो इसकी शुरुआत कहां से करी जाए, बोलो क्या तुमने जे इक्वल्स टू सिग्मा ई देखा है, देखा है क्या, जे का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, हाँ आई बाय ए, क्या सिग्मा को वन बाय रो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इन टू ई, क्या आई की वैल्यू तो ए एन ई वी डी होती है डिवाइडेड बाय ए, क्या ऐसे ए कैंसिल हो गया, ये हो गया तो इक्वल्स टू वन बाय रो इन टू ई, अब याद करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को तो मोबिलिटी बोलते हैं, मोबिलिटी डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी, बना दे यहां पे, क्या रो इक्वल्स टू वन बाय एन ई म्यू आ गया, खत्म, डेरिवेशन खत्म, इस चैप्टर में यही डेरिवेशन है आपकी, ठीक है, इनको ध्यान रखिए, कर लिया ना खत्म सारी डेरिवेशन, और समझ में भी आई है, तुम्हें पता है आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, अभी मैंने तुम लोगों को अनाउंस किया ना कि बैच 5,000 रुपए में होगा, अभी कुछ कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए, रियली क्या 5,000 रुपए होगा, हाँ 5,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं, 1 रुपया नीचे नहीं, लेकिन लोगों ने बैंक ऐसा नहीं था,
लोगों को डाउट हो रहा है, सस्ती चीज खराब होती है, सारी चीजें सारी सस्ती चीजें पढ़ाई से छोड़ के खराब हो सकती हैं, लेकिन सस्ती पढ़ाई पढ़ाई किसी भी तरीके की खराब नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिए। हाँ जी बिल्कुल सही डेफिनेशन, दैट इज करेक्टेड टू इट, इट्स ओके। चलिए क्या बोला मैंने तुम लोगों को, सस्ती पढ़ाई कभी भी खराब नहीं हो सकती, बाकी सारी चीजें सस्ती खराब हो सकती है। पहले क्या खराब होने लगा, जहां से मिले जहां से ज्ञान मिले वहां से ले लेना चाहिए, है कि नहीं? और इतना इतना सुनहरी मिट्टी बस समझाओ कमेंट बॉक्स में लिख लिख के, कहां से मिलेगा, मिले लोगों को कभी? लास्ट डिस्कशन ऑफ टुडेज क्लास, क्या आपने वेव इक्वल्स टू 1/n² भी, मैं आप लोगों को रेजिस्टिविटी का रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर इनका जिक्र कर रहा हूं, ध्यान से सुने इसको बेटा। पहले कंडक्टर के लिए डिस्कस करते हैं, और एक बार सेमी कंडक्टर के लिए डिस्कस करते हैं, और फिर इंसुलेटर के लिए। तीसरा क्या है, इंसुलेटर। चौथी कैटेगरी क्या होती है, सुपर कंडक्टर, है ना, जितना मर्जी बना लो यार। क्या है, बातें समझ में आ रही है? अब सबसे पहले देखते हैं ये एग्जांपल, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन, रिलैक्सेशन टाइम। चलिए देखते हैं करके क्या कंडक्टर लेते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस बात को ध्यान से सुने, तुम्हारे सीमित में भी काम आएगी बहुत, वहां भी इस बात का जिक्र किया जाएगा। अभी हमने क्या कहा, कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर बिना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमने क्या पहले बढ़ा के देखते हैं, बोले नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जितने इलेक्ट्रॉन फ्री देगा और फ्री बढ़ाना शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब क्या, एन बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाने से एन बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने से गति सीखा हमने, टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ बढ़ गया है, अगर एन बढ़ रहा है तो अगर टाउ बढ़ रहा है तो रो बढ़ेगा, अगर एन बढ़ रहा है तो रो घटेगा, किसकी माने। अब ऐसे समझ लो, एक कंडक्टर है ना, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पहले ही है, किसी के पास 1 करोड़ रुपए है तो उसको 10 रुपए दे दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ऐसा इसके साथ हुआ, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, नंबर डेंसिटी बढ़ गई, इनके इतनी नहीं बढ़ी कि दिखने लग जाए, फील होने लग जाए, लेकिन ये इतना घट गया कि इसने असर इससे ज्यादा दिखाया, मतलब ये इतना बढ़ा नहीं दिखना, ये घट गया है तो इसका असर ज्यादा हुआ, तो इसको भूल जाओ, इसको मान लो। यहां क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एन बढ़ेगा और टी घटेगा, तो अब इसकी नहीं मानेंगे, इसकी मान लेंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन कम होते हैं, जब आप उनको बढ़ाएंगे तो बढ़ाकर तुम्हारे को फील असर दिखाई देगा उसका, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने से टाउ घट, ऐसे लिखते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से टाउ घटा, टाउ घट तो बढ़ा, इसका मतलब इसको देखें, इसको देखें, क्या डायरेक्टली नहीं होगा, इसका मतलब रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर कंडक्टर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना लेना इसको, ठीक। उसके बाद सेकेंड, यहाँ ये टेम्परेचर घट, इसकी माननी है, इसकी माननी है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एन बढ़ा, एन के बढ़ने से रो घटा, इसको देखो, इसको देखो, क्या इन्वर्सली नहीं हो गया, इसका मतलब रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ग्राफ कैसे, ऐसे इनवर्स का ग्राफ, समझ में आ रहा है ना, किस किस में बन रहा है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में, ऐसे इंसुलेटर, अब इंसुलेटर में तो यार टेम्परेचर की क्या इंक्रीमेंट होगी, अब ऐसा तो है नहीं, इंसुलेटर को तुम इतने डिग्री पे
टेम्परेचर पे आप उसको हीट अप करेंगे तो कंडक्टर बन जाएगा, ऐसा तो नहीं। जिसका कॉन्स्टेंट का टेम्परेचर रखा जाता है तो उसको देखते हैं। क्या मेन डिस्कशन इन दोनों का कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर का है, कैसे समझ में आ रही है? क्लास से जो है बाकी डिस्कशन बाकी चर्चा करेंगे कल। कल सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे, सर्किट थ्योरी के अंदर सर्किट्स को सोल्व करना सीखेंगे, केसीएल टेबल कैसे लगाती है, और सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशंस का अच्छे से जिक्र करेंगे, जिसका प्रेजेंटेशन हम कैपेसिटर के साथ करके चलेंगे। हम लिटिल बिट फास्ट हो रहे हैं, हमारा टाइम हो गया भी 1 घंटे क्लास में, मैंने सभी डेरिवेशंस कवर कर दी। इनको प्लीज दोबारा कर करके देखें, किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो मुझे आप बता सकते हैं। सर एक बार एम का और बता दो, क्या बता दो एम का और बता दो, क्या बताओ? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप किसी चीज को हीट करते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनके पास एनर्जी आ जाती है, वो न्यूक्लियस की तरफ से फ्री हो जाते हैं। सही है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं ना, वही है। देख आसान लगाना, 5 डेरिवेशन 6 डेरिवेशन हो गई, वही ये टॉपिक हो गया। इसके बेसिक क्वेश्चंस हो गए, वीडी की डिपेंडेंस पक्ष लग गई, करंट की डिपेंडेंस पक्ष लग गई, सबके रिलेशन पक्ष लग गए, जो करना करो। याद रखना डिडक्शन ऑफ ऑम्स लॉ में R की वैल्यू निकली थी, वेक्टर फॉर्म ऑफ ऑम्स लॉ के जीरो इक्वल्स टू सिग्मा ही आया है। ना मैं ये बोल रहा हूँ कंडक्टर में, कंडक्टर क्यों होते हैं? कंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं तभी तो कंडक्टर है, मतलब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो उसके पास 100 है, आपने बढ़ाया टेम्परेचर, 2 बढ़ गए, क्या 100 में 2 बढ़े, क्या बढ़ा? कुछ बढ़ा उसमें? तो यानी कि वो जो बढ़ा बढ़ी इंक्रीज है वो कंसिडरेबल अमाउंट नहीं है, इसलिए एन की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर नहीं की गई। यहाँ पे टाउ घटे और इतना घटे कि इसके असर को तो इसने दिखने भी नहीं दिया, इसका इसका असर ज्यादा दिखा। सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर इससे कम होते हैं। अब कम उसके अंदर मान लो सेमी कंडक्टर के पास 50 है, अब 50 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे तो कितने बढ़ते चलते रहेंगे। मान लो उसके अंदर चार चार फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब बकवास बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे माइक्रोस्कोपिक चीजों को ऐसे इमेजिन करना वैसे भी पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहुत कम है, तो कम है उनको बढ़ाने के लिए उसमें बढ़ा और बढ़ा तुमने दिखाई दिया तो उसकी कंसिडर ये हमने यहाँ पे अगले समझ। चल ठीक है, टेक केयर, गुड बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, बाय बाय।